So hey guys, welcome back to the video. So आज हम बनाने वाले हैं अर्थक्वेक डिटेक्टर, जिसके लिए हमें चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्डबोर्ड चाहिए, बैटरी चाहिए, वायर चाहिए, आप कोई भी वायर ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद जो स्टैंड बनाना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बजर, बैटरी कनेक्टर और कार्डबोर्ड चाहिए पिलर बनाने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये बैटरी जो आप देख सकते हैं ये चीज़ें लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे चलते हैं बनाने की तरफ। सो अब मैंने यहाँ पे स्विच ले लिया है, इसको इसके साथ वायर भी मैंने कनेक्ट कर ली है। सो अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से हम इसको, जो हमारा पिलर है, इसको हम एक बुक की तरह फोल्ड करेंगे, जैसे डायरी होती है। तो जितनी थिकनेस रहेगी एक साइड की, मतलब एक स्विच की जितनी थिकनेस रहेगी वही दूसरे साइड की भी रहेगी, ताकि अच्छा मतलब गुड लुकिंग पिलर बन सके, ऊपर नीचे ना लगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कहाँ पे इसे यहाँ पे बांध कर दिया, फिक्स कर दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पिलर है इसको हम फिक्स करेंगे इसके बेस वाले कार्डबोर्ड के साथ। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है इसके बेस कार्डबोर्ड के साथ। स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से कुछ ही सेकेंड्स में ये फिक्स हो जाता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर स्ट्रॉन्ग ग्लू ही करता हूँ। अब हम बैटरी लेंगे, जो हमारा जो पिलर है इसके पीछे हम लगा देंगे बैटरी को कुछ इस तरीके से। हम स्ट्रॉन्ग ग्लू इसके दो साइड से डाल देंगे, एंड जो हमारा पिलर है वो भी इसी साथ अटैच कर देंगे, थोड़ा फिक्स करके रखेंगे इसी के साथ। सो अब हम एक कनेक्टर लेंगे जो कि बैटरी के साथ ही होता है यूजुअली, ये हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, जो जिसके ऊपर हमारा बोल्ट का और बजर का जो सिस्टम रहेगा, जो कि मतलब अर्थक्वेक, मतलब जब होगा तो जब वो हिले। अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा कि वो बोल्ट जो हम उसके बजर के साथ अटैच करेंगे वो हिलेगा, हिलने की वजह से वो दाएं बाएं ऐसे जाएगा, तो वो इसके साथ मतलब लग जाएगा, मतलब टकरा जाएगा वायर के साथ, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल यही है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जो ऊपर हमारा बेस रहेगा, जिसके ऊपर हमारा बजर रहेगा वो मैंने फिक्स कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कहा था, हमने यहाँ पे होल भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉपर वायर, आप चाहे तो स्टील की, एल्यूमिनियम की, कोई भी वायर ले सकते हैं, मतलब जो अपनी मतलब एक ये ले सके, अपनी एक शेप ले सके जो आप उसको देना चाहें। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी वायर कह रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन जो शेप ले सके। मैंने कॉपर की यहाँ पे ली है जो मेरे पास अवेलेबल थी, तो उसका मैंने यहाँ पे एक ऐसा स्टैंड बना दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर इसके एंड पे एक सर्कल बना दिया है मैंने, होल, एंड उसको एल टाइप में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सो आप टेप, हॉट ग्लू गन या स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट टेप यूज़ किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा इजीली अटैच हो जाता है, और मतलब आप इजीली इसको दाएं बाएं कर सकते हैं ताकि ये एडजस्ट हो सके जो ऊपर आपके होल है रखा है। ऐसे तो आप करिएगा, होल के इसके सेंटर पे ही रखिएगा, मतलब अगर 90 डिग्री हमने रखा है तो ये भी 90 डिग्री पे ही आना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सर्किट क्या है, इसकी जो मेंस वायर है वो नीचे वाले बेस के साथ, प्लस जो है बजर के साथ है, बजर की एक इसके स्विच के साथ है और एक इस बोल्ट पे है। तो जब अब ये बोल्ट हिलेगा तो हमारा सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा, जब ये हिलेगा, तो जब ये हिलेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने वायर लपेटी है इसको, कॉपर वायर को, ये इसके साथ टच हो रहा है और जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है इसके टच होने से, क्योंकि जो
वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।